हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यदि कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, और यदि मोबाइल खो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। इसके बाद ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोबाइल खो जाएगा तो आप इसके फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रह पाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, नहीं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट सकती है। तो चलिए देखते हैं, प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जानकारी ये रहनी जरूरी है दोस्तों कि आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये जो मोबाइल में लॉगिन है वो रहना आपके पास जरूरी है। तो ईमेल आईडी कैसे देखते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर में यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे दोस्तों, ये आपका ईमेल आईडी है, हो सकता है इसके अलावा और कोई ईमेल आईडी लॉगिन हो। तो वहाँ पर क्लिक करके आप सभी ईमेल आईडी देख सकते हैं। आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी हो, किसी एक ईमेल आईडी को लिख लीजिए और उसका पासवर्ड भी लिख लीजिए। किसी इसमें जितने भी मोबाइल ईमेल आईडी है, किसी से भी इस मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मोबाइल की ईमेल आईडी और पासवर्ड को लिख लीजिए, और यदि आपकी जब जब फ़ोन खो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अब देखिए। अब मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ये गूगल कंपनी का एप्लीकेशन है, फाइंड माई डिवाइस। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों, इस जो आपके फ़ोन खो चुका है उस ईमेल आईडी और पासवर्ड इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, और फिर कैसे ट्रैक करते हैं उसे हम आगे देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, एप्लीकेशन को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन गेस्ट में करिएगा आप। जब जब आपका फ़ोन खो चुका है तो आप साइन इन गेस्ट में करेंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई दूसरे किसी मोबाइल में देखेंगे। यदि आप अपने ही मोबाइल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप कंटिन्यू में कर लीजिए। मैं यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करके वो जो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है उसे आप एंटर कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी के पासवर्ड को एंटर करके मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करने के बाद ये देखिए, हमसे इसका जो लोकेशन है मोबाइल में एक्सेस मांग रहा है। मैं इसे एक्सेस दे देता हूँ। एक्सेस देने के बाद दोस्तों ये देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, इस समय मैं पटना में हूँ। देखिए ये मेरे पटना में इस लोकेशन पर डायरेक्ट मुझे दिखा रहा है, मैं इस स्थान पर अभी हूँ। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करता हूँ। इसमें देखिए, इन्फिनिक्स हार्ट 12 में मेरे पास फ़ोन है, और इसमें नीचे लिख रहा है इन योर हैंड, मतलब ये फ़ोन मेरे ही हाथ में है, ये भी बता रहा है। देखिए ये जो स्थान है बकरी मंडी, मैं इसमें बकरी मंडी में हूँ, बकरी मंडी के पास में हूँ, जो कि मेरा सही लोकेशन में मुझे बता रहा है। अब मेरे फ़ोन में ये देखिए बता रहा है 90% बैटरी है। तो यहाँ पर आप कॉर्नर में देख लीजिए, 90% बैटरी शो कर रहा है। मेरे फ़ोन में जियो 4G है, ये देखिए आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर से देखिए, तो ये देखिए जियो 4G मेरे पास है। और ये देखिए मैं वाईफाई कनेक्ट कर ले रहा हूँ, तो वाईफाई जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये देखिए इस पर वाईफाई भी दिखाने लगेगा। जैसा कि आप देख रही है, डी फ्लोर लिख रहा है, मतलब चौथे फ्लोर, यहाँ पर आप देख लीजिए। अभी थोड़ी देर में रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए वो भी दिखने लगेगा, अभी दिखाएंगे। देखिए ये भी दिखने लगा है, और इस आई बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखेगा, जैसे आपको मॉडल वगैरह क्या है, और इसमें IMEI और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और लास्ट सीन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। मैं इसे डन कर लेता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि आप जैसे मोबाइल को ट्रैक कर लिए, उस व्यक्ति के आस पास पहुँच चुके हैं, तो अब आपके पास क्या आपको क्या करना चाहिए, जब जैसे कि मान लिया 10-20 मीटर के रेंज में है तो इसे प्ले साउंड करिए। प्ले साउंड करेंगे तो इस फ़ोन में, चाहे आपके फ़ोन में बैटरी सॉरी मतलब कि रिंगटोन मतलब कम लगा हो, चाहे तेज़ वाला लगा हो, चाहे आवाज़ मोबाइल का कम हो, चाहे साइलेंट हो, कुछ भी हो, हाँ लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होनी चाहिए। स्विच ऑफ रहेगा तो नहीं ट्रैक हो पाएगा। जब आप प्ले साउंड करेंगे तो आपका आपके मोबाइल में जरूर प्ले साउंड, देखिए ये मेरे फ़ोन में ये बता रहा है, तुरंत रिंगटोन बजने लग रहा है। मैं इसे स्टॉप करूँगा, स्टॉप हो गया, देखिए दोस्तों स्टॉप साउंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को ट्रैक करके और प्ले साउंड भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई दूसरा भी फ़ोन है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो दूसरा भी फ़ोन दूसरे भी मोबाइल में लॉगिन रहेगा, तो वो भी दिखने लगेगा। तो मैं इसके मेरे पास यही फ़ोन है, इसमें है तो ये फ़ोन मेरे पास अभी दिख रहा है। और दोस्तों अभी वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अभी छोड़ करके मत जाइए। अभी ये देखिए, ये जो मेरे पास दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए डायरेक्ट जाएंगे तो आपको गूगल मैप पर ये लोकेशन आपको दिखा देगा। हाँ तो दोस्तों, और अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ, अभी देखिए इसके बाद अभी देख रहे हैं, जब आप इस मोबाइल इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों ये एप्लीकेशन तभी काम करेगा जबकि आपके मोबाइल में जैसे कि लोकेशन वगैरह चालू रहेगा, तभी ये काम करेगा। तो जैसे चोर कोई पाया गया तो खो जाएगा तो इन सभी को बंद कर देगा तो नहीं काम करेगा, शायद हो सकता है काम करने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये आप जैसे कि आपका मोबाइल लॉक है तो ऊपर से स्लाइड करके इसे बंद कर देगा, तो इसका मतलब कि आपके फ़ोन में जब ये मोबाइल लॉक रहेगा, जैसे कि मैं अभी लॉक करके दिखा रहा हूँ, लॉक करके मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, तो जैसे ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे तो ये देखिए आप में स्लाइड हो रहा है, तो इसे आप लॉक कर दीजिए ताकि वो इन सभी को बंद ही ना कर सके।
तो इसको लॉक कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे, तो देख रहे हैं दोस्तों। उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, जैसे मेरा फ़ोन इसमें लॉक है तो इसमें देखिए लिख रहा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसे मैं अभी हाइड कर दिया हूँ। तो ये नंबर किस लिए मैं लिखा हूँ दोस्तों, जैसे मेरा फ़ोन कभी खो गया तो किसी ईमानदार व्यक्ति हॉनेस्ट पर्सन को मिले तो वो मेरा फ़ोन वापस कर दे, इसके बारे में एक मेरा इसी एंड स्क्रीन आपको वीडियो दिख जाएगा, उसके बारे में भी देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पर कैसे अपना फ़ोन ऐड करते हैं। तो इस ये भी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। मैं भी इस मोबाइल का लॉक स्क्रीन ओपन करता हूँ और देखते हैं कि हम उसे लॉक कैसे करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को कैसे लॉक करते हैं वो इसको देखते हैं। मोबाइल के इसके हम मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लिए हैं। अब ये देखिए आप, मैं अभी दिखाएगा नोटिफिकेशन सेंटर, मेरे पास नोटिफिकेशन सेंटर है, हो सकता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार हो, उसमें आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे पास मोर सेटिंग है और इसमें जा करके स्वाइप डाउन, यदि आप में नहीं मिल पा रहा है दोस्तों तो इसमें सर्च करेंगे स्वाइप डाउन तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं लेफ्ट साइड स्वाइप करूंगा तो नोटिफिकेशन सेंटर आएगा, जैसे मैं अभी क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन सेंटर का है, और राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो आपको ये कंट्रोल सेंटर का है। मैं कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर दोनों को बंद कर दिया, जैसे कि मैं अभी लॉक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए ऊपर से स्लाइड करेंगे तो नहीं दिखेगा, देखिए नोटिफिकेशन सेंटर ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहे तो नहीं आ रहा, और ये भी देखिए नीचे स्लाइड कर रहे तो नहीं आ, स्वाइप कर रहे तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो बंद हो चुका है दोस्तों। और यदि आपको ये नहीं मिल पा रहा है सेटिंग तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार है इसमें सर्च करिए स्वाइप, स्वाइप डाउन, SWIPE स्वाइप डाउन, ये आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सेटिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने देखिए स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, इसे आपको डायरेक्ट सर्च करके भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप हमेशा बंद करके रखें ताकि कोई भी व्यक्ति आपके इसे मतलब यूज ना कर सके, उसे बंद ना कर सके। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और उनका भी भला हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।